नंदिनी रोड चौड़ीकरण के दौरान जेसीबी चालक की लापरवाही से कोरोना अस्पताल के समीप पाइपलाइन फूट गई। पाइपलाइन के फूटने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बहता रहा। इसकी वजह से आसपास के घरों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी पानी नहीं पहुंच सका। छावनी चौक से पावर हाउस पहुंच मार्ग के बीच नंदिनी रोड का चौड़ीकरण कार्य किया जा रहा है। इस कार्य में अनेक लापरवाही देखने को मिली है, जिसका खामियाजा नंदिनी रोड में रहने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है। सड़क चौड़ीकरण खुदाई के दौरान जेसीबी चालक की लापरवाही से पेयजल सप्लाई की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे हजारों लीटर पानी व्यर्थ सड़कों में बह गया। पाइपलाइन बिछे होने की जानकारी स्थानीय लोगों द्वारा चौड़ीकरण कार्य में लगे ठेकेदार के कर्मचारियों को दी गई थी, जिसे नजरअंदाज करते हुए खुदाई को निरंतर जारी रखा गया। इसके फलस्वरूप पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होकर टूट गई और हजारों लीटर पानी सड़क पर व्यर्थ बर्बाद हो गया। पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त होने से आसपास के घरों में निवासरत लोगों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी पानी सप्लाई बाधित रही। स्थानीय रहवासियों ने इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दी। और ये जो सड़क चौड़ीकरण हो रहा है, इसमें कल से मतलब पूरा पाइपलाइन पूरा तोड़ दिया गया है। मेन पाइप भी तोड़ दिया गया है, मेरा घरेलू कनेक्शन भी तोड़ दिया गया है। मैं यहाँ सामने में निवास करती हूँ। मैंने कल सबसे रिक्वेस्ट करी है, जेसीबी वाले से भी रिक्वेस्ट करी है कि भाई मतलब जो भी हो गया, लेकिन मैं वहाँ से मट्टी को निकाल दो करके, ताकि मैं क्लियर करवा सकूँ। मैंने सब साहब लोग से भी बोला, सब लोग बोलते हैं हाँ करेंगे करेंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बगल में ट्रांसफार्मर है, इसमें भी हम लोगों को पानी से मतलब डर लग रहा है कि पानी प्रेशर इतना हो रहा है कि पूरा मतलब घर तक जा रहा है पानी, घर के अंदर तक ना, मतलब जो पर्सनल पानी वो हमको मिल नहीं रहा है। और ये मेन जो पाइपलाइन फोड़ दी, उसके कारण हमारे घर में भी हम लोगों को परेशानी हो रही है, पानी अंदर जा रहा है। और इन लोगों ने कोई हमारी सुनवाई नहीं की, कोई सुन ही नहीं रहा कोई भी कोई बात। पाइपलाइन तो अपना क्या बोलते हैं, मशीन वाला पाइपलाइन तोड़ रहे थे, तो हमने पार्षद महोदय जी को शिकायत किया था और हमने फ़ोन लगाया गिरजा बंसोर जी को, तो उनके पति उठाए थे फ़ोन, उनसे बोले कि भैया पाइप तोड़ रहे हैं, बोले जाके निगम में शिकायत कर दीजिए, तो वहाँ पर भागने तक नहीं आए। आचार संहिता के नज़दीक आते ही जनता के रुपये को किस तरह से बर्बादी चल रही है, उसका एक साक्षात उदाहरण नंदिनी रोड, जहां सड़क चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है, उस कार्य को देख के लगाया जा सकता है। आज से दो दिन पहले भिलाई नगर निगम को ग्रैंड एसी न्यूज़ के माध्यम से अवगत कराया गया था कि जहां नगर निगम के द्वारा जिस ठेकेदार को कार्य दिया गया है, उस ठेकेदार अपने मनमानी तरीके से कार्य करने के कारण रोड के नीचे से जाने वाली पाइप लाइन को उखाड़ने का कार्य किया जा रहा है। परंतु इस सूचना के देने के बावजूद नगर निगम के अधिकारी अनदेखी करने के कारण कल 14 सितंबर को एक बार फिर नगर निगम के दिए गए ठेकेदार के लापरवाही के चलते मुख्य पाइपलाइन को तोड़ने का कार्य किया गया। और कल से लेकर आज तक कई लाखों लीटर पानी की जहां बर्बादी हुई है, वही वो पानी लोगों के घरों में प्रवेश किया गया, जिससे कई समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ा है। जिसके संबंध में स्थानीय लोगों के द्वारा आज सुबह जब इस परेशानी के संबंध में जानकारी दी गई, तो वहां मौके स्थल पर पहुंचने के उपरांत स्थल से नगर निगम के जोन आयुक्त पिल्ले मैडम को इस संबंध में अवगत कराया गया है, जिस पर उन्होंने कहा कि जल्द ही इसकी सुधार की जाएगी, परंतु जिस तरह का विकास कार्य चल रहा है, निश्चित रूप से जनता के रुपये की बर्बाद हो रही है, उस पर तत्काल ध्यान दिया जाए, अन्यथा जिस उद्देश्य के साथ यह कार्य चल रहा है वहां विपरीत असर ना पड़े, उसे भी ध्यान देने का कष्ट करें। गौरतलब है कि नंदिनी रोड का चौड़ीकरण कार्य किया जा रहा है, जिसकी निगम अधिकारियों द्वारा मॉनिटरिंग नहीं की जाती। इसी के फलस्वरूप चौड़ीकरण के दौरान आए विद्युत खंभों को भी नहीं हटाया जा सका है। निगम के जिम्मेदार अधिकारियों को इस ओर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे।